Hello everyone!

ग्लाइकोलाइसिस जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में होता है ये प्रोसेस हमें दिया था एमडेन मेयरहॉफ और पार्टनर्स ने इसीलिए उन्हीं के नाम के ऊपर इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं अब बेटा ग्लाइकोलाइसिस एक टेन स्टेप प्रोसेस होता है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है और इस टेन स्टेप्स को दो फेजेस में डिवाइड करते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग फेज और एनर्जी फॉर्मिंग फेज जैसा कि हम इनके नाम से ही समझ सकते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग फेज एनर्जी कंज्यूमिंग फेज वो होगा जिन स्टेप्स में एनर्जी कंज्यूम होगी ये होते हैं ग्लाइकोलिस के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेप आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेप में ए से एडीपी बन रहा है यानी एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है इसीलिए फर्स्ट थ्री स्टेप्स को बोलते हैं बेटा एनर्जी कंज्यूमिंग फेज और फिर आता है एनर्जी फॉर्मिंग फेज तो इस फेज में अलग अलग स्टेप्स पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच प्लस एच प्लस Clear. अब अगर हम इसका स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो यह हमारे NCRT का ही है, तो इसको देख लेते हैं तो बेटा, होता है, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल बनते हैं यानी कि ग्लाइकोलिस कहा से स्टार्ट होगा ग्लूकोज से तो सबसे पहले होता है ग्लूकोज फर्स्ट स्टेप में बेटा ग्लूकोज का फॉस्टो

फॉस्फेट ये सब कुछ होता है बेटा एंजाइम हेक्सोकाइनेस की हेल्प से क्लियर अब ये तो हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है हम साइड साइड अपना खुद से भी लिखते रहते हैं ताकि हमें याद भी रहे और अच्छे से समझ भी आ जाए तो ग्लाइकोलासेस बेटा स्टार्ट हुआ ग्लूकोस से तो सबसे पहले होगा ग्लूकोस ग्लूकोस का फर्स्ट स्टेप में हुआ फॉस्फोराइलेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंजाइम को मैं ई लिख रही हूं बेटा हेक्सोकाइनेज और ये जो फास्फोराइलेशन हुआ उसके लिए फास्फेट ग्रुप आया कहां से जब ए से एडीपी बना तो वो बना के दिखा देते हैं ए से एडीपी बना ठीक है तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ होगा जो कि ग्लूकोज में चला जाएगा अब जब ग्लूकोज के सिक्स कार्बन पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा तो यानी उसका फॉस्फोराइजेशन हो जाएगा और बन जाएगा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट तो ये हो गया बेटा हमारा स्टेप वन क्लियर अब ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट सेकेंड स्टेप में एंजाइम फॉस्फोगलूको आइसोमरेज की हेल्प से अपना एक आइसोमर सिंथेसाइज करता है जो कि होता है फ्रक्टोट आपको पता है हमने इलेवेंथ क्लास में ही बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर्स होते हैं तो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट एनजाइम फॉस्फोग्लूको आइसोमिरेज की हेल्प से फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है क्लियर तो अब सेकेंड स्टेप ड्रॉ करके दिखा देते हैं बेटा यहां पे एंजाइम कौन सी आ जाएगी फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज और इससे बन जाएगा फ्रक्टोज़ सिक्स फॉस्फेट और ये हो जाएगा हमारा स्टेप टू क्लियर अब स्टेप थ्री की तरफ चलते हैं तो बेटा स्टेप थ्री में फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट का फॉस्फोराइजेशन होता है यानी फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में फॉस्फेट ग्रुप एड होगा इसके फर्स्ट कार्बन पे और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी आएगा जब ए से ए बनेगा तो ये यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा वो फ्रक्टोज फ्रक्टोसिक्स फॉस्फेट के फर्स्ट कार्बन पे जुड़ जाएगा जिससे बन जाएगा फ्रक्टोज वन कॉमा सिक्स बिज और इसमें भी सिक्स कार्बन प्रेजेंट होंगे क्लियर और यहां पर जो एंजाइम यूज होगी वो एंजाइम होगी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनिज क्लियर तो इसको ड्रॉ करके दिखा देते हैं फॉस्फोराइलेशन होगा इसका तो पहले फॉस्फोराइलेशन लिख देते हैं इस स्टेप में एंजाइम कौन सी यूज होगी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनिज और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहा से आया जब एटीपी से एडीपी बना तो वो भी हम शो करेंगे और जब फास्फोराइलेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा फ्रक्टोज वन बिस्फोस्फेट और ये हो जाएगा स्टेप थ्री तो बेटा आप देख सकते हैं कि स्टेप वन और स्टेप थ्री में एटीपी से एडीपी बना यानी एनर्जी कंज्यूम हुई तो इसीलिए ये फर्स्ट थ्री स्टेप्स आते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग फेज में में क्लियर अब फोर्थ फोर्थ स्टेप स्टेप की तरफ चलते हैं तो में, बेटा ये जो हमारा फ्रक्टोज वन कॉमासिक्स बिस्फेट होता है इसका क्लीवेज होता है और दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको हम ट्रायोस फॉस्फेट बोलते हैं जिसमें से एक होता है ग्लिसेट और एक होता है डायहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट इसमें इसे एक ग्रुप में यानी ग्लिसहाइड थ्री फॉस्फेट में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है एल्डिहाइड और डायहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कीटोन इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स में थ्री कार्बन होते हैं क्लियर तो फोर्थ स्टेप दिखा देते हैं दैट इज क्लीवेज ठीक है बेटा तो क्लीवेज के बाद एक मॉलिक्यूल बनेगा थ्री का जिसको शॉर्ट में हम थ्री पी एल भी बोलते हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थ्री पीजीएल लिखा है आप पूरा लिखेंगे थ्री उसके नीचे ट्रायोस भी लिखेंगे और थ्री कार्बन भी मैंशन करेंगे और दूसरा मॉलिक्यूल बनता है डायहाइड्रॉक्सी एसिटोन फॉस्फेट का जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है आप इसको भी पूरा लिखेंगे डायहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट और नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हैं

कि डाय कन्वर्ट होता है पीजीएल में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोमरेज ठीक है जिससे क्या होगा थ्री पी के टू मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री पीजीएल दैट इज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ विसिलइड थ्री फॉस्फेट क्लियर तो ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेप अब फिफ्थ स्टेप के बाद बेटा सिक्स्थ स्टेप में टू मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री पीजीएल कन्वर्ट होंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वन कॉमा थ्री बिस्पॉस्पोग्लूसरिक एसिड में और ये कब होगा जब एन प्लस से एनएडीएच प्लस एच प्लस बनेगा और रिडॉक्स इक्विवेलेंस रिलीज होंगे हाइड्रोजन आटम की फॉर्म में और एक पी के लिए दो रिडॉक्स इक्विवेलेंस रिलीज होते हैं तो यानी यहाँ पे हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स थे थ्री पी के तो यहाँ पे फोर रिडॉक्स इक्विवेलेंस रिलीज होंगे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम और यहाँ पर एंजाइम यूज होगी बेटा फोस्फोग डीहाइड्रोजनेस और बन जाएगा ट्रायोस बिस्पॉस्फेट दैट इज वन कॉमर थ्री बिस्पॉस्फो एसिड और इसमें भी थ्री कार्बन प्रेजेंट होंगे क्लियर तो इसको ड्रॉ कर देते हैं अब बेटा क्योंकि इस पेज में हमारे पास नीचे जगह खत्म हो गई है तो इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पे ठीक है तो नेक्स्ट पेज पे सबसे ऊपर लिख लेते हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री पी जी ए एल क्लियर अब हमने देखा कि नेक्स्ट स्टेप में यानी स्टेप नंबर सिक्स में थ्री पी जी ए एल से बनेगा वन कॉमर थ्री बेस्ट पॉस्फो एसिड जब एनएडी प्लस से एच प्लस एच प्लस, एच प्लस बनेगा और रिडॉक्स इक्विवेलेंस रिलीज होंगे क्लियर तो इसको बना देते हैं ये है स्टेप सिक्स यहाँ पर एन ए डी प्लस से एन ए डी एच प्लस एच प्लस रिलीज होगा और यहाँ पे बेटा जो एंजाइम यूज होगी वो एंजाइम है फॉस्पो ग्लेट्रल हाएद और इससे बन जाएगा वन कॉमा थ्री बिस्फोग्लिस्ट्रिक एसिड और इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे टू क्लियर अब नेक्स्ट सेवेंथ स्टेप में बेटा दो एडीपी में दो इनऑर्गेनिक फॉस्फोरेट ग्रुप ऐड होंगे और दो एटीपी मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होगा और एंजाइम ट्रांसफॉस्फोर की हेल्प से दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे थ्री फॉस्फो एसिड के क्लियर तो इसको ड्रॉ कर देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा बेटा इसमें हमने बोला कि दो ए में दो इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ेंगे और बन जाएंगे दो ए मॉलिक्यूल क्लियर और यहाँ पे एंजाइम जो यूज होगी वो होगी ट्रांसफॉस्फोराइलेस और बन जाएंगे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड तो बेटा ये हो जाएगा हमारा सेवेंथ स्टेप ठीक है अच्छा सिक्स स्टेप में भी बेटा यहाँ पे दो एन प्लस से दो एन प्लस एच प्लस मॉलिक्यूल बनते हैं क्लियर ठीक है अब नेक्स्ट एथ स्टेप में बेटा जो ये थ्री फॉस्पोग एसिड बना ये जो यहाँ पे थ्री फॉस्पोग्लिस्ट्रिक एसिड बना ये अपना आइसोमर बनाएगा जो होगा टू फॉस्पोग ठीक है और यहाँ पर भी एंजाइम यूज होगी आइसोमेरेज तो बना देते हैं एथ स्टेप एथ स्टेप में एंजाइम यूज होगी आइसोमेरेज और बन जाएंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ टू फॉस्फोग्लिसरेट ठीक है ये हो जाएगा बेटा आपका एथ स्टेप देन नाइन्थ स्टेप में टू फॉस्फोग्लिसरेट में इनोलेस एंजाइम एक्ट करेगी और दो वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगी और बन जाएगा पीईपी यानी फॉस्फो एनॉल पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल्स ठीक है तो बना देते हैं स्टेप नाइन स्टेप नाइन में क्या होगा एंजाइम आएगी इनोलेस वाटर के दो मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे इस स्टेप में और बन जाएगा पीईपी पी अच्छा मैंने यहाँ पे पीईपी पी लिखा है बट आप पूरा लिखेंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फो इनॉल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फो इनॉल पायरोट देन नेक्स्ट स्टेप में फिर से एडीपी से एटीपी सिंथेसिस होगा और बन जाएंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड ठीक है ये हो गया नाइन्थ स्टेप अब टेंथ स्टेप ड्रॉ कर लेते हैं टेंथ स्टेप में मैंने बोला पीईपी से बनेंगे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड और इसी स्टेप में दो ए डी पी मोलिक्यूल्स में दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप एड होंगे और बन जाएंगे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए टी पी और यहां पर दो पीईपी मॉलिक्यूल से बन जाएंगे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड पायरोविक एसिड में थ्री कार्बन है ग्लूकोज में सिक्स कार्बन थे तो एक ग्लूकोज से दो पायरोविक एसिड बने तो कार्बन नंबर भी बेटा हमारा मेंटेन रहा ठीक है अगर आपको पायरोविक एसिड का फॉर्मूला देखना है तो बेटा पायरोविक एसिड का फॉर्मूला होता है सी एच थ्री सी ओ सी ओओ एच ठीक है तो ये होता है बेटा हमारा ग्लाइकोलिस जो कि एक टेन्थ स्टेप प्रोसेस है जिसमें फर्स्ट थ्री स्टेप्स जो होते हैं वो होते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग फेज में और जो नेक्स्ट सेवन स्टेप्स होते हैं वो होते हैं एनर्जी फॉर्मिंग फेज में तो ये हो गया आपका लास्ट टेंथ स्टेप तो ये था ग्लाइकॉलिस जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनके साइटोप्लाजम में होता है सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू थैंक यू